अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम्बेसडर किचन। आ जाए जी। राम से राम से। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। आउटडोर कुटू सा किचन, क्यूट है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रामेश और आप देख रहे हैं बाबा फन आरआरसी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सो हम नाश्ता करने के लिए पहुँच चुके हैं जी। अच्छा जी माशाल्लाह, मुर्ग चने हरी, बीफ नहीं हरी, बीफ जी। रामेश भाई नाश्ता करवा के आप हमें कहाँ ले आए हैं, आपने अभी तक बताया नहीं। यार मैं चाह रहा था कि मैं आप सबको सरप्राइज दूं, आपको, बाबा को और बाबा फूड आरआरसी के तमाम व्यूवर्स को। अच्छा जी, तो आज आप सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। ओके, क्या आप मुझे बता दे, कान में मुझे बता दे। उतर के चलें जी। एम्बेसडर किचन आपके लिए एक सरप्राइज है, आप चलें। नहीं आप चलें, आपके लिए सरप्राइज है, चलें। तो जी फाइनली हम एम्बेसडर किचन जो है वो पहुंच चुके हैं और है ना, तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि क्या होने वाला। अस्सलाम वालेकुम, अली साहब से मीटिंग है मेरी, चलें चलें। आपको आइडिया तो हो गया होगा कुछ ना कुछ आइडिया। चलो अभी आपके लिए सरप्राइज है, चलो 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 चलो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है। बाबा जी को मैं ले आया हूँ। अच्छा, जो सरप्राइज आपने रेडी करके रखा हुआ ना, मैंने अभी तक बाबा जी को नहीं बताया कि क्या होने वाला है, तो वो अभी आपने दिखाना है बाबा जी को और शॉक्ड कर देना कि हुआ क्या है। चलें जी। यार कुछ बड़ा लग रहा है मुझे, बहुत बड़ा, ह्यूज होने वाला। ओके चलें जी, आ जाएं बाबा, चलें चलें जी। तो भाई माशाल्लाह सेटअप तो बहुत बड़ा है भाई, माशाल्लाह। यार मुझे ना डर लग रहा है हाइट पे आके। भाई पता नहीं कहाँ ले, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। बल्कि नाश्ता तो हम कर रहे हैं यार, यहाँ खाना खाते। ये रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ रेस्टोरेंट बनते हैं। अच्छा अच्छा जी, ये रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ रेस्टोरेंट बनते हैं। गुड 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 गुड, क्या लाइन बोली भाई ने। ओह वेलकम, वाह वाह भाई वाह, क्या बात। ये बाबा क्या, वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दो किचन तैयार हो पड़े हैं, बहुत कमाल का, शाइनिंग देख के और इसकी लुक देख के कमाल है। वाह भाई वाह, जबरदस्त। जो मुझे सुन रहे हैं, देखने से सुनने से कुछ नहीं होता, ये चीज खुद बोलती है कि मुझे परचेज करो और कारोबार करो। जो लोग घर में फारिग बैठे हुए हैं वो इन लोगों से रابطہ करें और यहाँ पे आएं, अपने मर्जी का स्टॉल तैयार करवाएं और घरों से निकले मेरे भाइयों। बहुत बहुत मुबारक हो बाबा जी, क्या बात है। आपने रिक्वायरमेंट बताई कि आपने आउटडोर कोई कुकिंग करनी है। हाँ जी, उसकी ये फिर आपने कमेटिंग की। अच्छा, ये आपने खुद ही कर लिया, अकेले कर लिया सारा कुछ, हमें बताया भी नहीं। जब हम प्लान कर रहे थे ना, जब नए घर में शिफ्ट हुए तो हम प्लान कर रहे थे कि हमारे पास गार्डन वगैरह है तो हम आउटडोर कुकिंग प्लान करें, तो तब फिर मैंने बहुत रिसर्च किया तो बार बार एक ही किचन सामने, एम्बेसडर किचन। वैसे भी था मैंने कि क्या बंदे क्या है ये, ठीक है, जो चीज खोलो जो कमर्शियल, वहां पर एम्बेसडर किचन का नाम आ रहा है। मैं बड़े बड़े इदारे जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके किचन में जाके उनसे बात हुई, उनका हम भी एम्बेसडर किचन से अपने इक्विपमेंट बनाते हैं। तो मैंने अली साहब से मेरी फिर वो सबसे अच्छी बात जो है कि इन्होंने अपना नंबर दिया हुआ था, मेरी डायरेक्ट इनसे बात हुई। अच्छा, तो ग्रेट ऑनर है ये एम्बेसडर किचन। अच्छा, माशाल्लाह, एम्बेसडर किचन को यहाँ तक पहुँचाने में इनकी अनथक मेहनत। अब हम भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह स्ट्रगल में अब हम भी इनके साथ हैं। तो मेरा इनसे कॉन्टेक्ट हुआ, मैंने इनको अपनी रिक्वायरमेंट बताई,
लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये अमेरिकन इटालियन लेवल का जर्मन क्या लेवल बात का है यार काउंटर तैयार होगा नेक्स्ट लेवल। ये चाइनीज कुकिंग के लिए है, बाकी आप इस पे अपने जबरदस्त नीचे आप अपना स्टोर कर सकते हैं। उधर से आके दिखाता हूँ भाई, वाह जबरदस्त यार जबरदस्त कमाल, मैं कहता हूँ वाह। बाबा कैसा लगा है यार? बहुत कमाल का, इसकी जो फिनिशिंग है ना जो, हाँ जी मैं समझ रहा था भी स्टील की चादर लगा के तो काम का, तो वो वैसा नहीं है, ये देख रहे हैं इस तरीके से। क्या बात है क्या है? बात है भाई, अगर ये चीज अच्छी हो किचन अच्छा बना हो तो काम करने में भी उतना ही मजा आता है, ऐसे ही है। जैसे मुझे ये बताएं कि अगर जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो देख रहे होंगे, तो आप इम्पोर्ट भी करते हैं? जी इम्पोर्ट भी करते हैं। तो मतलब किसी ने आउट ऑफ कंट्री से, अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, ये इस तरह की चीज़ें जो मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर वो लोग बनवाने जाएं तो जी हम बहुत कॉस्टली उनको पड़ेगा, लेकिन हाँ हम बनवा क्लाइंट आते हैं लंदन से भी, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, दुबई से, जो पाकिस्तानी है बिल्कुल ऐसे, वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट बाय करें बिल्कुल ऐसे, तो वो अक्सर लोग पाकिस्तान आते हैं बाय करके ले जाते हैं। कतर में भी अभी हमने सप्लाई किया बेकरी का, फिर लंदन में लाहौर का वहाँ बिल्कुल सप्लाई किया। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जी जहाँ से लोग अगर आपसे ये चीज़ें बनवाना चाहते हैं तो आप उनको प्रोवाइड कर सकते जी, प्रोवाइड कर सकते हैं हम कस्टमाइज उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकते हैं पूरे ऑटोमेटिक किचन। हाँ जी आप किचन में हम ऑटोमेटिक चीज़ें भी ऐड कर रहे हैं, ठीक हो गया, जिसमें रिजल्ट। आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ साथ चलते जाएं और मुझे बताते रहें कि क्या क्या चीज़ें हम आपसे बनवा सकते हैं, क्या क्या आपके, क्योंकि आपके सामने अपनी प्रोडक्शन है, ये सारी अपनी प्रोडक्शन, आपको शुक्र नहीं इम्पोर्ट कर सकते हैं, ये लोकल लग रहा है कि आपने इम्पोर्ट किया, ये फ्रायर है। क्या बात है यार, फिनिशिंग देख रहे हैं बाबा आप, ये तो ऐसे लग रहा है कि शायद इन्होंने कहीं से बाहर से इंपोर्ट किया। अच्छा ये इलेक्ट्रिक है या गैस पे है? ये गैस पे है, ये हॉट प्लेट है, जो ग्रिल है। क्या बात है, बिल्कुल ग्रिल के जैसे नैंडोस पे आप ग्रिल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नैंडोस पे आप ग्रिल करते हैं। ओके ओके, नैंडोस किचन का नाम आपने सुना होगा, तो वहाँ के जितने किचन इक्विपमेंट है वो एंबेसडर किचन के। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब लगता है कि हमें जल्दी कर लेना चाहिए सेटअप रेस्टोरेंट का, हर चीज है। क्या बात है वाह, ये तो मैं पूरा आ सकता हूँ इसके अंदर। कॉन्टिनेंटल स्टोव है जिसमें रेस्टोरेंट का ये मेन करदार है, बिल्कुल बिल्कुल निकलते प्रोडक्शन निकलती है बिल्कुल। ये ग्रिल है, स्टोव है, यार वो दिखने से इतना वजनी और मजबूत लग रहा है तो उसको क्या क्या, ओए ओए जबरदस्त। ये ओवन कोयलों पे चलता है। अच्छा कोयलों पे चलता है पिज्जा ओवन? ये पिज्जा ओवन नहीं है, कोयलों पे चलता है, बेकिंग ओवन है। इंशाल्लाह ये भी बाबा जी आपने ये यूज करके हाँ जी अपने व्यूअर्स को बताना है। बिल्कुल बताएंगे ये कैसे आ गया, ये फॉर्म में शेयर है, ये आ गया, ये भी तंदूर है, टर्किश तंदूर है जी। क्या बात है, ये वाला ना ले लें घर के लिए। क्या बात है क्या बात, ये हमारे क्लाइंट माशाल्लाह माशाल्लाह, एक लंबी लिस्ट है भाई, एक लंबी लिस्ट है। किसी भी इदारे का इसी चीज से आइडिया होता है कि वो काम किन लोगों के साथ करता है। क्या बात है, ऐसे ही है। तो आप देख सकते हैं एम्बेसडर किचन एक नाम है, एक एक एतमाद का नाम है एम्बेसडर किचन है। तो आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी भी टाइप का किचन सेटअप करवाना चाहते हो, वन एंड ओनली एक और चीज आ गई है, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, मुझे इसका नाम तो नहीं आता, ये भाई बताएंगे कि ये क्या चीज है। भाई ये बारबेक्यू को नेक्स्ट लेवल पे ले गए एम्बेसडर किचन वाले। कितने लोग लेके आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दस 12 लोग हैं भाई जी। यहाँ पे एम्बेसडर किचन पे एक नया प्रोडक्ट हमने यहाँ पे देखा है, इन्होंने लॉन्च किया है अली साहब ने। ये इनसे पूछते हैं ये क्या चीज़ आपने तैयार कर दी जी, ये और किस तरह की यूनिक तैयार कर दी, ये खुद ब खुद हर चीज़ घूम रही है, कुक हो रही है, आपने तो हैंड फ्री वाला काम कर दिया जी। ये मार्केट की जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो डिमांड आती है, जैसे आप
जाते हैं रेस्टोरेंट में, आपको माशाल्लाह ये पीक पे है बिजनेस पाकिस्तान में रेस्टोरेंट का, तो उधर लोगों की वेटिंग लाइन देख के तो हमें रिक्वायरमेंट आई कि हमें ऑटोमेटिक चाहिए। अच्छा, ग्रिल जिसपे बारबेक्यू कर सके, और ये इसके तीन लेवल है। अच्छा, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। अच्छा, ये तो खुद घूम रहे हैं। जी जी, ताकि इसके ऊपर प्रोडक्शन जो है ना क्वालिटी की। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमने कोयलों का स्टोरेज बॉक्स भी बनाया इसका। अच्छा, ये इसके अंदर कॉलेज कोयले आएंगे। अच्छा, और यहाँ पे ये स्टोरेज बॉक्स है। अच्छा, ये भी नीचे। वेरी गुड यार, ये प्रोडक्शन से फैक्ट्री से बाहर आइए ना, अभी डिस्ट्रिक्ट लगा लगे इसमें बाढ़ी है। अच्छा, फिनिशिंग करनी है, तो आप आए तो मैं क्या आपको दिखाऊंगी। ये बहुत कमाल की चीज़ तैयार हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख सकते हैं आप जी, खुद ब खुद कबाब तैयार हो रहे हैं, हाथ लाने की लोड़ ही नहीं, तुसे कबाब ला देने ने, इत्थे रख देने ने, आपे तैयार होते जाणगे ते उतारते जाणा है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एंबेसडर किचन। आ जाए जी। इस टाइम जी अली सर के ऑफिस में, और उनसे परमिशन ले लिया कि वीडियो यहाँ पे शूट कर लें, तो यहाँ पे सब डिज़ाइन चल रहे हैं। कमर्शियल नहीं, अभी ये डिस्कशन हुई है डोमेस्टिक, मतलब घरों में भी। अभी ये किचन आप देखें, ये घर में इंस्टॉल हुआ है, और वो बता रहे हैं कि स्कर्दू और गिलगी तक वहाँ पे, और सबसे अच्छी बात लिखी हुई है कि आज का काम कल पे मत छोड़ें, इसीलिए एंबेसडर किचन कामयाब है इसी वजह से। आमीन आमीन। हम जा रहे हैं अब घर की तरफ, और माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा हो गया, जितनी गर्मी थी ना अल्लाह पाक ने उतना ही करम किया। अचानक से तेज बारिश स्टार्ट हो गई है जी, तो एंबेसडर किचन से हम लोग आ गए थे घर, और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, रात हो गई थी, हमने फिर चेंज किया और मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया है। बाबा जी के कुछ दोस्त आने लगे हैं, तो उनके लिए जी यहाँ पे प्यारा सा चाय का सेटअप लगा है। खाना तो हम लोग अंदर ही खाएंगे, लेकिन चाय जो है वो यहाँ पे पियेंगे। बाकी मैंने कुछ लाइट्स ऑन कर दी हैं गोल्डन, जो बाहर से दिखने में बहुत प्यारी लगती हैं। वो एक लहराते हैं तो लहराते हैं जी। तो खाना खा लिया था, ज़्यादा मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि भाई इतनी लंबी गुफ्तगू चल रही थी, आगे इतने मज़े मज़े के प्लान है आप लोगों के लिए कि भाई क्या क्या होने वाला है, और ये मीटिंग क्यों थी, क्या हो रही थी, ये चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में पता चलेंगी कि बाबा फूड यानी कि बाबा जी और भाई रामिश नेक्स्ट क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और क्या चीज़ मार्केट में लॉन्च। नहीं, ये नहीं अभी बताता, ये नहीं अभी बताएंगे यार। ये जो आपके हाथ में है ना अपी जान, इसको ज़रा छुपा दें, अभी नहीं हमने बताना कि नेक्स्ट क्या होने लगा है भाई, अभी नहीं बताना। चीज़ के हमने नहीं बताना। पर क्या लिखा हुआ है हम ये भी नहीं बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बता रहे हैं इस पे क्या लिखा हुआ है। हाँ ये भी है। हाँ जी अली साहब, आ गया जी। तो फाइनली आउटडोर किचन की तैयारियां भरपूर तरह से जारी हैं, और एक काउंटर जो था हमारा, एक आइलैंड जो था वो आ चुका है, और बाकी अभी चीज़ें आनी हैं। सो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेन काउंटर जो है वो आ चुका है, अभी बहुत सी चीज़ें और आना बाकी हैं, और आप देख सकते हैं कि ये डिलीवर कितने प्यारे तरीके से किया गया है। एंबेसडर किचन वालों, सिर्फ ये नहीं है कि भाई बना के आपको दे देंगे, आप उनका डिलीवरी का अंदाज चेक करें, देखिए कितने प्यारे तरीके से लेमिनेशन फॉइल लगा के किसी तरफ से कोई एक मामूली सी भी
कोई रगड़ ना आए और कितने प्यारे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से जो है ये हमें डिलीवर किया गया माशाल्लाह वेरी वेल डन। सो फाइनली जी हम अपने आउटडोर किचन की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। अभी आउटडोर किचन कंप्लीट नहीं हुआ, आप ये ना समझ लीजिए बस ये कंप्लीट हो गया, अभी बहुत कुछ आना है। एल शेप में ये बहुत खूबसूरत आउटडोर किचन बनना है। सो अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। बाबा आप बिस्मिल्लाह पढ़ें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हाँ जी कैसा लगा मम्मा आपको हमारा कूटू सा किचन? माशाल्लाह बहुत प्यारा है। आउटडोर आउटडोर कूटू सा किचन क्यूट है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सो जी ये है हमारा आउटडोर किचन और बहुत जल्द आउटडोर किचन सेटअप पूरा होने वाला है। और आपको अगर इसी तरह की क्यूट क्यूट से अपडेट चाहिए होंगी कि बाबा फूड किचन में नेक्स्ट क्या होने वाला है और आउटडोर किचन हम कैसे सेटअप करने वाले हैं, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और अली को भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, रामशीजन CSA.अलीबाबा। अपने और अपने बारे में बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अलीबाबा।